चलो, जिन्होंने कल का क्लास नहीं देखा है वो मैं डाल दूंगा, जो टाइम नहीं मिला है उसको यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए कर दिया हूँ, बस थोड़ा 2-3 मिनट का काम है। तो उसमें पास्ट सिंपल का कुछ बेसिक बातें मैं करवा चुका हूँ। चलो आज देखते हैं पास्ट सिंपल में कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, नई चीजें इन द सेंस ऑफ लाइक कहाँ पे गलतियां हो सकती है पास्ट सिंपल। ठीक, तो पास्ट सिंपल जो यूज होता है, पास्ट सिंपल यूज होता है किसके, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, क्या पास्ट सिंपल जो होता है वो इस्तेमाल होता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, मतलब जैसे पास्ट हैबिचुअल एक्शन मतलब पास्ट में तुम कुछ करते करते थे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब जैसे मैं कहूँ कि जब मैं छोटा बच्चा था तो रोया करता था, मतलब मेरी पास्ट की बात है कि नहीं? मतलब मेरा क्या हैबिट थी, जब मैं छोटा बच्चा था तो आइसक्रीम खाया करता था, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो पास्ट में जैसे मान लो मेरी शादी नहीं हुई थी या हुआ था तो मैं बिंदास घुमा करता था, इस तरह की जो चीजें है कि नहीं, जो पास्ट में तुम्हारा आदत हो, हैबिचुअल एक्शन था, उसको दर्शाने के लिए हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कहा पास्ट सिंपल का इस्तेमाल पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए दो वर्ड काफी फेमस है। ठीक है, दो वर्ड पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए काफी फेमस है, मतलब ये दो वर्ड से सेंटेंस बन जाता है। लगता है यूज टू और एक होता है वुड। ठीक है, ये दोनों, इसका हिंदी जहां पे ये लगेगा इसका हिंदी आएगा किया करता था। किया करता था, ठीक है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा पास्ट हैबिचुअल एक्शन मतलब अतीत में तुम्हारा कुछ आदत था, कुछ रूटीन वर्क था जो तुम करते थे, है कि नहीं? जैसे मैं कहूंगा जब मैं हॉस्टल में रहता था तो रोज सुबह चाय पीता था, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैं जब मैं वहां गया था, जब मैं मामा के वहां गया था या फिर कहीं पे भी गया था, पर कुछ पास्ट में तुम्हारा हैबिट बन चुका है, हैबिचुअल एक्शन बन चुका है। ठीक है, उसको दर्शाने के लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल होता है। और पास्ट सिंपल में भी दो वर्ड काफी फेमस है जिनको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए। तो क्या क्या, फर्स्ट वन इज यूज टू, दूसरा वुड। ठीक है, तो दोनों का अगर हम हिंदी निकाले यूज टू लगा के और वुड लगा के, तो इन दोनों का हिंदी का जो हिंदी आएगा मतलब सेंस आएगा ये भी आएगा किया करता था। ठीक है, ये भी आएगा किया करता था। तो बात यहाँ पे है, तो सर हम कहाँ पे किसको लगाएं, मतलब डिफरेंस क्या है यूज टू और वुड को अगर हम देखें तो इसका डिफरेंस क्या है? मतलब बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मैंने कहा रूप भारती, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको लगाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर? ये तो आप पहले से ही V2+2 है कि नहीं? V2+2 मतलब यूज 2+2 है, तो इसका हमें V2 करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसको लगाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज टू लगा दो, प्लस उसमें भार का पहला फॉर्म, क्योंकि टू के बाद भार का पास्ट होता है, फिर अदर वर्ड लगा दो। अगर इसको मैं लिखना चाहूं आई यूज टू टेक टी विथ बिस्किट, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? आई यूज टू टेक टी विद बिस्किट, इसका मतलब मैं चाय के साथ बिस्किट लिया करता था, है कि नहीं? क्या करता था, वही आएगा क्या करता था, मतलब मैं चाय के साथ बिस्किट खाया करता था, पिया करता था, जो समझ रहे हो सब, है कि? जैसे मान लो तुम कहोगे कि मुझे मैं समोसे के साथ हरी चटनी खाया करता था, बोलो यूज टू लगा के बोलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। अरे कमेंट वन कर लिया करो थोड़ा। मैंने कहा पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट सिंपल में भी दो तरह का चीज को, मतलब दो वर्ड का काफी इस्तेमाल होता है, यही दो में ही इस्तेमाल होता है। एक यूज टू इस्तेमाल होता है, यूज टू का मतलब किया करता था, है कि नहीं? आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाया करता था, है कि नहीं? कोरोना से पहले मैं स्कूल जाया करता था, यही होगा ना? आई यूज टू गो स्कूल बिफोर कोरोना, जाया करता था, है कि नहीं? तो यूज टू वहां पे लगना है जहां पे क्या करता था, मतलब नॉर्मल सी बात होगा। मैं वहां पे जाया करता था, खाया करता था, खेला करता था, मिला करता था, है कि नहीं? यूज टू वहां लगेगा जहां पे तुम्हें नॉर्मल सी बात कुछ बोलना, ठीक है? नॉर्मल सी बात, मतलब नॉर्मल मतलब जैसे मान लो, हाँ यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि आई यूज टू टेक टी विथ बिस्कुट, चलो सही बात है, यहाँ पे यूज टू लगा था, लेकिन वहीं पे वुड लगाओगे कैसे? सब्जेक्ट प्लस वुड, भाई वुड जहां पे, वुड भी तो विल का वी टू है, तो मतलब यहाँ पे भी वी टू है, ये भी वी टू है, देखा जाए तो एक तरह से सब्जेक्ट प्लस वुड, उसके बाद वी वन आता है प्लस अदर वर्ड, इसका सेंस निकलता है क्या करता था इन द सेंस। जैसे कि मान लो इसको मैं लिखना चाहूँ, मैंने कहा कि मैं चाय के साथ बिस्किट लिया करता था, मैं खाया करता था, ठीक है? आई यूज टू टेक टी विद बिस्किट, अगर इसी को मैं वुड लगाऊंगा तो आई हो जाएगा, आई वुड आई वुड समटाइम्स टेक टी विथ बिस्किट। यहाँ देखो इसका भी मतलब निकलेगा किया करता था, इसका भी मतलब पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, ध्यान दो। यहाँ पे मैंने लिखा कि आई वुड समटाइम्स टेक टी विथ बिस्किट, इसका मतलब मैं समटाइम्स मतलब क्या होता है, कभी कभार, कब्बो कब्बो, केबे केबे, है कि नहीं? समटाइम्स कभी कभी, कभी कभार, इसका इसका हिंदी भी निकल रहा है आई वुड समटाइम्स टेक टी विद बिस्किट का मतलब, जैसे इसका मतलब है आई यूज टू टेक टी विद बिस्किट, मतलब मैं चाय के साथ बिस्कुट लिया करता था, या पिया करता था, या खाया करता था, तो इसका मतलब भी वही है, मैं चाय के साथ बिस्कुट खाया करता था, लेकिन यहाँ पे एक चीज जुड़ा है समटाइम्स, कभी कभार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पास्ट हैबिचुअल एक्शन को जब बोलना है तो बोलो, लिखो, लेकिन ध्यान देना, अगर वहां पे नॉर्मल सी बात करनी है कि मैं वहां पे जाया करता था, खाया करता था, मिला करता था, सोया करता था, है कि नहीं, घुमा करता था, तो लगा दो यूज टू को, क्योंकि ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाएगा। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हें वहां पे कुछ नई चीजें ऐड करना है, मैं कभी कभार, ठीक है नहीं, रोज, मैं रोज जाया करता था, मैं रोज घुमा करता था, ये जो रोज कभी कभार, है कि नहीं, कुछ कुछ दिन, ये सब चीजें जहां पे आएगा तो वहां पे तुम्हें लगाना है वुड लगाना है दो, जबकि दोनों को तुम्हें क्या करना है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन समटाइम्स हो गया, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, लेकिन मैं कभी भी वो नहीं जाया करता था, तो वहां पे आएगा वुड आएगा। लेकिन ये जो अड़चन, ये जो एक्स्ट्रा चीजें जहां पे नहीं होगा, हमेशा याद रखना, जैसे मैंने कहा कि मैं कभी कभार जाया करता था, मैं रोज जाया करता था, लेकिन मैं कभी नहीं जाया करता था, मैं हर संडे को जाया करता था, तो ये जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें है कि नहीं, जहां पे आ जाएगा वहां पे तुम्हें क्या लगाने, वुड लगा के वी टू वन, जैसे टेक ही रहेगा भाई, एक बार तो वी टू हो चुका है कि नहीं? वुड लगा के वी वन लगा देंगे बीच में, और कुछ वर्ड है जिनको यहाँ पे लगा सकते हैं, जिनको लास्ट में लगा सकते हैं, उसको मैं बोल रहा हूँ अभी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में जैसे समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, इन सबको साथ अगर तुम्हें पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाना है तो तुम्हें वुड लगाना है,
और ये कहां पे लगेंगे, ऊड और मेन वर्ब के मतलब भीवान के बीच में, ऊड के बाद भीवान के बीच में, है कि नहीं, मतलब यहाँ पे ऊड और उसके बाद जो ये वाला प्लेस है जो हमारा भीवान है उसके बीच में ये लगेंगे। जैसे आई वुड समटाइम्स टेक टी, आई वुड ऑलवेज टेक टी, आई वुड ऑफन टेक टी, आई वुड नेवर टेक टी, आई वुड सेल्डम टेक टी। ओके, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन और दो चीज वर्ड है जिनको हम स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, उसको हमें क्या कहाँ लगाना है, एंड में लगाना है। जैसे डेली और एवरीडे, मान लो मैं रोज लेता था, इन दोनों को भी लगा सकते हो, है कि नहीं? मैंने कहा कि जो एक्स्ट्रा चीज है, जो नॉर्मल सी बात से बढ़कर अगर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं हम वहां पे, आई यूज टू टेक टी के मतलब मैं रोज, मतलब मैं रोज वहां पे जाया करता था। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं मैं वहां पे रोज जाया करता था, मैं क्या लिखूंगा, आई वुड गो देयर। यहाँ पे देखो डेली, ये जो डेली लगा इसी वजह से यहाँ पे हमको उड लगाना पड़ा, यूज टू के बदले। आई वुड गो देयर डेली, मतलब रोज एवरी डे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करो। समझ में आ गया ना? जरा ये बताओ मुझे, दो सेंटेंस दे रहा हूं इसको ट्रांसलेशन करके भेजो। शुभश्री, रूप भारती, जरा इसको भेजो। मैं स्कूल जाया करता था, और एक है मैं रोज स्कूल जाया करता था। दोनों का इंग्लिश बताओ। शुभश्री कैतिकी, चलो ये दो सेंटेंस का इंग्लिश बताओ क्या होगा, जल्दी कमेंट करो 30 सेकंड के अंदर। आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, गधी। तब इतना तब से मैं क्या समझा रहा हूँ गधी? अरे भाई तब से मैं क्या समझा रहा हूँ, तो क्या समझा तू? आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। अरे मैंने कहा कि जब कभी पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाना है, अरे ये हैबिट बन चुका है ना, मैं रोज स्कूल जाया करता था, हैबिट बन चुका है ना, मैं रोज स्कूल जाया करता था। तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए मैंने बोला ना, या तो यूज टू लगाओ या उसको उड के साथ लगाना है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता था कि कहाँ पे तुम यूज टू लगाओगे, कहाँ पे उड लगाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे कहा कि मैं स्कूल जाया करता था, ये तुम्हारा नॉर्मल पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, तो यहाँ पे तुम इसके साथ लगाओगे यूज टू और इसके साथ लगाओगे उड। यही तो मैं समझाना चाहता था। वो गधी उसको साहब, उसके अलावा उसने बोले वेंट, तो मैं स्कूल जाया करता था क्या होगा, आई यूज टू जाया करता था, किया करता था, उसके लिए यूज टू लगा। लेकिन वहां पे रोज रोज ये जो चीज आ गया, है कि नहीं, जो कुछ अड़चन है, इन अड़चन अगर आ गया तो उसको हमें उड़ के साथ बनाना होगा। तो मैंने कहा कि मैं रोज स्कूल जाया करता था, या फिर मैं स्कूल जाया करता था, तो वहां पे होगा आई यूज टू, टू के बाद भी बनाएगा आई यूज टू गो टू स्कूल, है कि नहीं? मैं स्कूल जाया करता था। वहीं पे अगर इसको मुझे बनाना है कि मैं रोज जाया करता था, तो क्या होगा, ये जो रोज आ गया इसकी वजह से हम क्या नहीं लगा सकते, यूज टू को नहीं लगा सकते, हमको लगाना है उड को लगाना है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, आई वुड गो टू स्कूल, उसके बाद तुम डेली लगाओ या एवरीडे लगाओ। समझ में आया कि नहीं कहते कि मैडम, समझ में आया कि नहीं?
करो। अरे मैं जाया करता था, खाया करता था, घुमा करता था, ये सब क्या है? पास्ट हैबिचुअल एक्शन ही तो है ना। तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन को तक दिखाने के लिए दो वर्ड का इस्तेमाल होता है, या तो यूज टू लगाओ या फिर लगा दो कौन सा वुड लगाओ। यूज टू कहाँ आएगा? जहां पे नॉर्मल सी बात, मैं जाया करता था, खाया करता था, खेला करता था, नाचा करता था, हंसा करता था। लेकिन वहीं पे अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी, मैं कभी कभार, हर वक्त, कभी नहीं, मैं कभी कभार नाचा करता था, मैं कभी कभार गाया करता था, मैं हमेशा गाया करता था। लेकिन ये जो कभी कभार, हमेशा, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, नेवर, जनरली, यूजुअली, ये सब चीजें जब लग जाएगा तो वहां पे क्या होगा? वहां पे तुम यूज टू नहीं लगाओगे उसके बाद, यूज टू तुम लगाओगे वुड के साथ। ठीक है, चलो। पता नहीं दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा। लेकिन यहाँ पे ना, ये यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली सवाल तो पूछता है। मतलब पहले तो मैं तुम्हें समझा दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज टू एंड वुड। अब समझो एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछ सकता है। एग्जाम में कभी सिंगल क्लॉज में ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, आई यूज टू गो देयर, आई यूज यू, वो डबल क्लॉज करके सवाल पूछता है। कैसे थोड़ा बता देता हूँ तुम्हें। देखो मैंने कहा कि एग्जाम में कुछ चीजें थोड़ा घुमा के सवाल पूछता है। कैसे? देखो वो सवाल पूछेगा यहां से, व्हेन से शुरू होगा सवाल उसका। सवाल व्हेन, सब्जेक्ट प्लस वाज और एयर लगाएगा। ठीक है, व्हेन के बाद सब्जेक्ट वाज और एयर, उसके बाद प्लस यहाँ पे नाउन आएगा। उसके बाद तीन कंडीशन हो सकता है, क्या क्या सर? सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे कॉमा आएगा, सब्जेक्ट के बाद यूज टू भी लग सकता है। यूज टू के बाद क्या आता है भाई? वी वन आता है। लेकिन एक बार यहाँ पे वी टू हो गया ना, तो उसके बाद वी वन ही होगा। प्लस वी वन प्लस होता है, ये भी हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस वुड भी आ सकता है। प्लस वी वन प्लस अदरवर्ड, या फिर सब्जेक्ट प्लस सिंपली वी टू प्लस अदरवर्ड भी आ सकता है। इस तरह से सवाल पूछेगा। ध्यान से समझना मैं जो समझाना चाहता हूँ। देखो इसका मतलब होता है, ये रेगुलर सी बात है, मतलब जो चीज में पास्ट में रेगुलर में करता था, रेगुलर से करता था, जो चीज में पास्ट में मेरा रेगुलर था, इसका मतलब होता है इरेगुलर। वुड जहां पे लगेगा, मैंने बताया था ना, इरेगुलर मतलब रेगुलर बात नहीं है, इरेगुलर। और ये क्या होगा? ये नॉर्मल सी बात है। एग्जाम्पल कैसे? देखो मान लो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ कि व्हेन, देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन में लगा दिया, व्हेन सब्जेक्ट लगा दिया, मान लो आई, व्हेन आई, आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, चलो मान लो हॉस्टल लिख देते हैं, जब मैं हॉस्टल में था, व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, तो इसका मतलब यही है ना, व्हेन आई वाज इन हॉस्टल। देखो व्हेन के बाद सब्जेक्ट प्लस वाज, वाज रोयर के बाद नाउन में लगा दिया, हॉस्टल नाउन है। ध्यान से समझ रहे हो ना सब? देखो व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, तो फिर क्या हुआ भाई? तो वहां पे दो तीन तरह का सेंटेंस बन सकता है। क्या क्या? मैं कहूंगा जब मैं हॉस्टल में था, आई यूज टू ईट आई यूज टू ईट, चलो मान लो मैं समोसा लिख दे रहा हूं, समोसा खाया करता था, है कि नहीं? मान लो, तो इसका मतलब देखो, ये रेगुलर आई यूज टू ईट समोसा, मतलब मैं रोज समोसा खाया करता था। कहाँ पे? जब मैं हॉस्टल में था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? व्हेन आई वाज इन हॉस्टल आई यूज टू ईट समोसा, मैं रोज क्या करता था? समोसा खाया करता था। ये रेगुलर बात हो गई ना, रेगुलर रेगुलर खाया करता था। लेकिन वहीं पे मैं बोल दूं कि मैं कभी कभार खाया करता था, इरेगुलर। लेकिन इरेगुलर के लिए मैंने बताया था कि ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, जनरली, यूजुअली, ये सब लगा होगा।
तो इसी को अगर मैं बदलना चाहूंगा दूसरी तरफ, व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, जब मैं हॉस्टल में था, आई उड़ की जगह पे मैंने मान लो यहाँ पे लगा दी आई, क्यों क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इरेगुलर बात बोलना पड़ रहा है, आई उड़ कभी के बार बोलना है, आई वुड समटाइम्स ईट समोसा, मैं कभी कभार समोसा खाया करता था। ये जो समटाइम्स लगा ना, समटाइम्स की वजह से हम यूज टू नहीं लगा पाए, क्योंकि ये इरेगुलर थोड़ी दिखा रहा है, वो कह रहा है कि मैं कभी कभार खाया करता था, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो कह रहा है कि मैं कभी कभार समोसा खाया करता था जब मैं हॉस्टल में था, तो कभी कभार आया तो भाई ये रेगुलर नहीं है, तो रेगुलर अगर नहीं है तो क्या है, इरेगुलर है, इरेगुलर के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, उड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उड़ लगाओगे तो उड़ के बाद ये उड़ लगाओ, उसके बाद यहाँ पे भी वन आया है कि नहीं। वहीं पे अगर नॉर्मल सी बात करें कि जब मैं हॉस्टल में था तो लेता था, वो नॉर्मल सी बात, व्हेन आई वाज इन हॉस्टल आई ईट से क्या हो जाएगा, एट समोसा खाता था, नॉर्मल सी बात है। समझ में आई कि नहीं आई, तीन चीजें इस तरह से सवाल पूछ सकता है डबल क्लॉज में, व्हेन लगा के, व्हेन सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस नाउन लगा देगा, उसके बाद तीन, या तो रेगुलर है तो यूज टू लगाओ, जहां पे कुछ समटाइम वमटाइम कुछ नहीं होगा, रेगुलर बात कर रहा है, अगर यहाँ पे समटाइम्स ऑलवेज ऑफन इस तरह का कुछ वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है, जो दर्शाता है कि रेगुलर नहीं है, कभी कभार रोज कुछ भी ऐसा, तो वहां पे लगाना है तुम्हें उड लगाना है, ठीक है, ये वाला सवाल नहीं पूछता ज्यादातर, ऊपर वाला दोनों काफी पूछते हैं। समझ में आया कि नहीं है, जल्दी कमेंट करो। चलो ये सर बोलने वाले, जरा ये तो मुझे वर्क करके दिखाओ, जरा इसका इंग्लिश निकालो निकालो, जब मैं दिल्ली में था तो रोज कॉफी पीता था, कॉफी पिया करता था। चलो इसको हिंदी निकालो, चलो इंग्लिश निकालो। जल्दी कमेंट करो, जब मैं दिल्ली में था तो रोज कॉफी पिया करता था। बता सकता है? When I was in Delhi, I used to drink coffee. अच्छी बात है, किसने बोला, शुभश्री, चलो अच्छी बात है। हाँ ये तुम्हारा सेंटेंस सही है, ध्यान दो शुभश्री, तुम्हारा सेंटेंस सही है कि when I was in Delhi, I used to होता है बेटा, यूज नहीं, वहां पे पास्ट करना है, तुम पास्ट यूज टू, ठीक है, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, यूज टू,
ठीक है, व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई यूज टू ड्रिंक, या फिर आई यूज टू टेक कॉफी, या ड्रिंक कॉफी, चलो चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं रोज दिया हूँ, ठीक है, तो रोज को अगर लगाओगे तो यूज टू नहीं लगा पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई यूज टू ड्रिंक कॉफी, चलो मामा अच्छी बात है। लेकिन जब तुम आई व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई यूज टू ड्रिंक कॉफी, कहते ऑल्सो। लेकिन देखो यहाँ पे एक वर्ड है रोज, मतलब डेली। रोज मतलब क्या होता है, एवरीडे या डेली, है कि नहीं? एवरीडे या फिर हम डेली, इसको अगर तुम इस्तेमाल करना है तो उसको यूज टू नहीं इस्तेमाल कर सकते। समझ रहे हो? नहीं, तुम्हारा सेंटेंस सही है, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, इसको हटा दिया है तुमने। जब मैं दिल्ली में था, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो मैं क्या करता था, आई इसको हटा दिया, यूज टू टेक कॉफी, लेकिन मैं कॉफी पिया करता था। लेकिन अगर रोज लगाना है तो क्या करना है, उड उड के साथ बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर तुम्हें ये रोज की रोज वाला वर्ड लगाना है, रोज, कभी कभार, कभी नहीं, है कि नहीं, ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, तो ये सब चीजें जब लगाना है तो तुम्हें वहां पे यूज टू नहीं लगाओगे, उसको उड़ के साथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हो सब। तो अगर हम इसको उड़ के साथ लगाएंगे तो क्या होगा, व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, तो क्या होगा, आई यूज टू की जगह पे हम उड़ लगाएंगे, आई उड, उसके बाद ड्रिंक कॉफी, सिंपल सी बात है भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ आ रहा है ना? यस, व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई यूज टू, नहीं, व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई वुड ड्रिंक कॉफी। हाँ, वहां पे डे आए पे गधो, ये एवरीडे कहाँ है तुम्हारा? ये जो रोज जो चीज लगा है, रोज, एवरीडे या डेली कहाँ पे है तुम्हारा? व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई वुड ड्रिंक कॉफी, एवरीडे, एवरीडे नहीं छोड़ना, ठीक है? हाँ, एवरीडे भी लास्ट में लगाना है। कहाँ पे किसको लगाना है तो लिख दिया हमें, एवरीडे और डेली, एवरीडे और डेली, ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा, जबकि बाकी सारे समटाइम्स, यूजुअली, जनरली वगैरह वगैरह जो कुछ भी है वो कहाँ पे आएगा, मतलब उड़, सब उड़ और भीवान के बीच में, बुझी पाला नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट है उसको बता दूंगा आज। पांच सिंपल फर्ज खत्म होगा। देखो यहाँ पे आ जाओ, तो हमने पढ़ा कि सर यूज टू और उड को लगा के कैसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आगे देखते हैं। देखो यूज टू, देखो हमने कहा कि यूज टू के बाद क्या लगता है, यूज टू के बाद मैंने कहा सर भीवान लगता है, यही लगता है। मैंने कहा चलो अब उसके बाद मैं आईएनजी फॉर्म भी लगा देता हूँ, बी फोर भी लगवा देता हूँ, कैसे? इसके लिए देखो बेटा एक स्ट्रक्चर आता है कि देखो ध्यान दो, सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर, या फिर पास्ट में हम वाज वेयर भी लगा सकते हैं, ठीक, पास्ट में हम वाज वेयर भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें प्लस बहुत सी चीजें लगा सकते हो, यहाँ पे तुम यूज्ड टू लगा सकते हो, यहाँ पे तुम एकॉस्टम टू लगा सकते हो, एक कस्टम टू लगा सकते हो। ध्यान दो बेटा ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। इसके बाद तुम यहाँ पे एडिक्टेड टू लगा सकते हो, इसके बाद तुम यहाँ पे हैबिचुएटेड टू भी लगा सकते हो, हैबिचुएटेड टू, ठीक है? उसके बाद ये सब जो आ गया, उसके बाद तुम्हें क्या लगाना है, बी फोर, बी फोर मतलब क्या होता है बेटा, आई एन जी फॉर्म लगाना है,
प्लस अदर वर्ड लगाना, पहले इसको लिख लो, समझा देता हूं, बहुत आसान सी बात है। देखो मैंने कहा कि जब तुम्हें कोई भी, देखो इसका मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, ये जो when के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद ईज एम आर या फिर वाज लगा के हम ये सब चीजें इस्तेमाल करके बी फोर प्लस अदरवर्ड करेंगे, तो इन सब का मतलब क्या निकलेगा पता है? इसका मतलब है लत। लत मतलब समझते हो ना, गुलाम बन चुके हो उसका, या फिर मैं कह सकता हूँ के अलावा या फिर के बिना रहा नहीं जा सकता। तो मान लो कोई शराबी है, ठीक है, उसको शराब का क्या लग चुका है, लत लग चुका है, वो शराब का गुलाम हो चुका है, वो शराब के बिना रह नहीं पाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं कहा कि ये सब जब चीजें कहीं पर लग जाएगा इस फॉर्मेट में, अगर किसी भी तुम्हारा एक मतलब जैसे मान लो मोबाइल देखना बच्चों का आज तक क्या, अब क्या बन चुका है, लत बन चुका है। लत मतलब जो ना बुरी आदत है कि नहीं, मतलब दे आर एडिक्टेड। हाँ, तो ये सब जो चीज है इन सब को दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा सेंटेंस। कैसे, तो इसका एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं कहूंगा कि मुझे चाय की लत लगी है, लगी है या लगी थी, जो लगाना है लगा, पहले मैं बोल रहा हूँ इसको कि मुझे चाय की लत लगी है, मतलब मैं चाय के बिना मैं रह नहीं पाता। मान लो कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं चाय के बिना नहीं रह पाता, यही है ना मेरा बीमारी, मतलब बीमारी मतलब लत, मतलब एडिक्टेड हो चुका हूँ, तो उसको यूज टू भी लगा सकते हो, एडिक्टेड, हैबिचुएटेड, है कि नहीं, एकॉस्टम टू, तो इसका मतलब सभी दिखाएंगे कि ये तुम्हारा आदत, मतलब तुम आदत तो नहीं इन द सेंस, आदत इन द सेंस लत लग चुका है, तुम उसका गुलाम बन चुके हो। मतलब मैं स्मोकिंग करता होता, मतलब सिगरेट, जो स्मोकिंग करते हैं बिना सिगरेट बिना बीड़ी, वो तो भाई उनका मतलब फ्रेश नहीं हो पाते, वो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो उसके लिए क्या है, वो जो सिगरेट बीड़ी ये सब क्या है, उसका लत है, उसका एक नशा है, जिसका एडिक्टेड मतलब क्या होता है नशा, ठीक है नहीं, कहते ना पता नहीं जी कौन सी नशा करती है, तो मतलब जो नशा जो बुरी आदत, उन सबको दिखाने के लिए, से मान लो मैं कहा कि मुझे चाय की लत लगी, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा देखो मुझे चाय की लत लगी है, तो मैं आई एम लगाऊंगा, ठीक है नहीं, उसके बाद तुम यहाँ पे जो लगाने लगाओ, आई एम यूज टू लगाना है लगाओ या एकॉस्टम टू लगाना है लगाओ या एडिक्टेड टू लगाना है लगाओ या हैबिचुएटेड टू, इन सब का मतलब क्या निकला, आई एम हैबिचुएटेड टू, ये तो टू लिख दिया, उसके बाद क्या लिखूंगा, बी फॉर टेकिंग टी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो उसके बाद आया ना बी फोर टू के बाद भी, ये सब क्या दिखाते हैं, स्पेशल कैसे बेटा, ये सबका मतलब होता है कि मैं चाय का गुलाम बन चुका हूँ, मुझे चाय की लत लगी है कि नहीं, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा घुस रहा है दिमाग में। जब भी तुम्हें कभी भी इस तरह का चीजें बोलना पड़े कि मैं उस चीज का गुलाम बन चुका, मुझे मुझे मान लो मैं कहूंगा मुझे शराब का लत लग चुका है, तो मैं कहूंगा आई लत लग चुका था, मान लो मैं शराब छोड़ दिया और मैं कहूंगा कि मुझे शराब का लत लग चुका, तो मैं आई वाज लगाऊंगा, आई वाज लत लग चुका ना, जो भी लगाना है, हैबिचुएटेड लगाओ, यूज टू लगाओ, एकॉस्टम टू लगाओ या फिर एडिक्टेड टू, तो मैं कहूंगा आई वाज एडिक्टेड टू शराब पीना, है कि नहीं, आई वाज एडिक्टेड टू, या तो कहो टेकिंग वाइन, टेकिंग लिकर, या कहो ड्रिंकिंग सीधा, आई वाज एडिक्टेड टू, टू छोड़ दिया, टेकिंग लीकर, ओके समझ में आ रहा है मामा, शुभश्री, केतकी, रूप भारती, ने कौन है और, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। देखो यहाँ पे मेरा, मैंने कहा कि मुझे चाय का लत लगी है, तो मैंने आई एम से बनाया है, ठीक है, मैंने कहा मुझे यहाँ पे शराब का लत लगी था, मतलब लत लगा था, तो मैंने उसको वाज से बनाया, आई वाज एडिक्टेड टू टेकिंग लिकर, आई वाज हैबिचुएटेड टू टेकिंग लिकर, मतलब मैं पास्ट में करता था, अब शायद छोड़ चुका हूँ, ऐसा कुछ अगर बोलना है, आई वाज एकॉस्टम टू टेकिंग लिकर, या फिर यूज टू भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पे
आई वॉज यूज टू भी लगा सकता हूँ, आई वॉज यूज टू टेकिंग लिकर। ठीक है, अगर नहीं समझ आता बोलना, रिपीट प्लीज रिपीट, मैं फिर से रिपीट करवा दूंगा, मैं फिर से बोल दूंगा। ओके, जब कभी भी तुम्हें कोई आदत, बुरी आदत, कुछ भी लत वत, इसको दिखाना पड़ेगा यहीं से बेटा, यहीं से। पास्ट सिंपल ना एक बहुत ही खूबसूरत टेंस होता है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत टेंस के अंदर मुझे कुछ कोई अगर पसंद है तो वो पास्ट सिंपल है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त चीज है, काफी सवाल पूछता है एग्जाम में इससे। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत टेंस, हम उसी टेंस को पढ़ते हुए बहुत प्यार से मैं तुम्हें समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, है कि नहीं? चलो आओ यहाँ आ जाओ। उसके बाद अगर तुम्हें याद होगा, हाँ, जो प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा रहा था, तो प्रेजेंट सिंपल में मैंने तो बताया था कि पास्ट सिंपल कैन बी यूज्ड विथ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब मैंने बताया था ना वहां पे पूरा डिटेल्स में, कंडीशन तीन तरह का हो सकता है, या तो जस्ट पास्ट में, या तो मोर पास्ट में, या तो फ्यूचर में, है कि नहीं? जस्ट पास्ट, मोर पास्ट, या फ्यूचर। भाई प्रेजेंट में क्या कंडीशन करोगे? प्रेजेंट में तुम जो तुम हो वहां पे तुम क्या कंडीशन करोगे? जैसे मैंने कहा कि अगर तुम मेरे पास आते, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारा मदद करता, है कि नहीं? अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारा मदद करूंगा। समझना बड़े ध्यान से, ये देखो, अगर वो जो लगा, ये कंडीशन की बात हो रहा है ना, मैंने कहा अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा, ये प्रेजेंट सिंपल में बढ़ा चुका हूँ, है कि नहीं? इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। वहीं पे अगर तुम मेरे पास आते मैं तुम्हारी मदद करता, तो वहां पे क्या होगा? इफ यू केम टू मी, कॉम नहीं होगा, अगर तुम मेरे पास आते, पास्ट बोल रहा हूँ ना, इफ यू केम टू मी, तो उसके बाद मैं वुड लगाऊंगा, वुड प्लस वी वन, आई वुड हेल्प यू, है कि नहीं? अब मोर पास्ट में क्या होता है? अगर तुम मेरे पास आए होते मैं तुम्हारा मदद का एक मतलब किया होता, है कि नहीं? इफ यू हैड कॉम केम कॉम, है कि नहीं? इफ यू हैड कॉम टू मी देन मैं क्या करता, आई वुड हैव हेल्प, तो वहां पे उड हैव लगेगा। चलो वही सब चीजें यहाँ पे हम बात कर देते हैं। तो यहाँ पे मेनली हम देखेंगे जो जस्ट पास्ट की हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की, उसका क्या स्ट्रक्चर वगैरह होता है कि नहीं? कंडीशनल में मतलब मेनली इफ जो होता है, इफ लगता है, इफ क्लोज में लगता है। मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस इफ आएगा पहले, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड, तो अगले क्लॉज में क्या आएगा? अगले क्लॉज में आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारा मदद करता, लेकिन अगर तुम मेरे पास आते मैं तुम्हें पढ़ा देता, लेकिन चलो मान लो इसको मैं लिखूं, इफ यू, सब्जेक्ट हो गया यू, बी टू हम क्या लगाएंगे? केम कॉम का, अगर तो मेरे पास आते, इफ यू केम टू मी, है कि नहीं? तो मैं क्या करता, आई तो पढ़ा देता, आई वुड टीच यू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस स्ट्रक्चर के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, इस स्ट्रक्चर के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? जैसे मान लो मैं लिखूंगा इफ यू अटेंड, अटेंड अटेंड का वी टू अटेंडेड होता है, इफ यू अटेंडेड माई मैरिज पार्टी, अगर तुम मेरे मैरिज को अटेंड करते, इफ यू अटेंड माई मैरिज पार्टी या फिर वेडिंग पार्टी जो लगाना लगा, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे? यहाँ पे वुड लगेगा, आई वुड गिव यू, मान लो कि पार्टी में, तो पार्टी देता, पार्टी तो चल ही रहा होता है, देखो यहाँ पे उड़ आया ना, उड़ उड़ के बाद भी वन आया, गिव आया, यहाँ पे टीच आया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस तरह का कंडीशनल सेंटेंसेस को, समझ में आ रहा है? शुभश्री, रुबर्थी, इस तरह का कंडीशनल सेंटेंसेस को अगर तुम्हें बोलना पड़ेगा, इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस उसको इफ क्लोज, भाई मैंने बताया था ना, अगर तुम उस कंडीशनल वाले वीडियोज को देखना, कंडीशन भाई तीन ही तरह का होता है, पहले तो अभी भी बताया कि एक फ्यूचर में, एक जस्ट पास्ट में, एक सिंपल मोर पास्ट में। समझ में आ रहा? तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड, उसके बाद कहानी खत्म भाई,
वुड प्लस विवान प्लस अदरवर्ड, ये बच्चे या ये सब बहुत सवाल पूछते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में, इसमें ध्यान देना इस वाला स्ट्रक्चर को। देखो और एक चीज होता है, अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा बदल देंगे, इफ के बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया, फिर वहां पे देखो मैंने ओआर लगा दी। भाई ओआर भी क्या है, एम और आर का, एम और आर का जो भार्व टू बी है, भार्व टू बी का ये हो गया वी वन, और वी टू में क्या होता है वाज और ओआर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूं। अरे हो या चले गए कहीं, बी भार्व का वी वन क्या होता है एम और आर होता है, उसका वी टू क्या होता है वाज और ओआर होता है, तो इस वी टू से मैंने ओआर को ले आया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या, ये वी टू है। हमारा पास्ट का स्ट्रक्चर वही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदरवर्ड। ये देखो ईव के बाद मैंने सब्जेक्ट प्लस ओआर लगा दी, यहाँ पे कोई और नहीं ओआर लगा, सिर्फ ओआर ही लगाओगे। उसके बाद मैंने अदरवर्ड लगाई है कि नहीं, उसके बाद यहाँ पे सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद उड़ आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन प्लस अदरवर्ड। इसका जो सेंस निकलेगा, इसका जो सेंस निकलेगा, इसका सेंस निकलेगा, ध्यान दो यहाँ पे, इसका जो सेंस निकलेगा कल्पना इमेजिनेशन, ओके, इसका जो सेंस निकलेगा ये कौन सा सेंस निकलेगा, इस वाला स्ट्रक्चर का सेंस निकलेगा, ये पूरा का प्रश्न, इसका मतलब निकलेगा इमेजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू यहां पे, ध्यान दो, इफ आई ओआर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, इमेजिनेशन है ना, अगर मैं बोल दू इफ आई ओआर ए किंग, अगर मैं एक राजा होता, इफ, लेकिन वहां पे हमेशा आई के साथ ओयर आएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आई के साथ ओयर आएगा, तुम सोचोगे कि सर ये कैसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अगर इमेजिनेशन लगाना है हमें को इफ क्लोज में डाल के, ठीक नहीं, इफ मान लो आई के जगह पे मैं यू लगा दूं यहाँ पे, इफ यू ओयर ए क्वीन, अगर तुम एक रानी होते, महारानी होते, तो उसके बाद सब कुछ क्या आएगा, उड प्लस वी वन में इसी स्ट्रक्चर में आएगा, कमा लगाओ यहाँ पे फिर लगा दो। तो अगर मैं चिड़िया होता, इफ आई आई वायर बर्ड, देन मैं क्या करता, आई उड, मैं उड़ पाता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन स्काई। अगर मैं कहता कि इफ आई वायर ए किंग, अगर मैं राजा होता तो मैं क्या करता, आई उड, मैं महल में रहता, आई वुड लिव इन पैलेस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो हम कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट के बाद ओयर आता है, और इस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन प्लस अदरवर्ड। इफ यू आर ए क्वीन, अगर तुम एक रानी होते तो क्या होता, यू वुड क्या करते, यू वुड मैरी ए किंग, रानी होते तो राजा को ही शादी करते ना, समझ रहे हो। पास्ट सिंपल कैन बी यूज इन कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर इफ क्लोज के साथ भी तुम कह सकते हो, समझ में आ रहा है। अगर मैं एक चिड़िया होता तो ये इमेजिनेशन है ना भाई, इमेजिनेशन, मैं इमेजिन कर रहा हूं काश मैं एक चिड़िया होता, घंटा चिड़िया बनेगा, इंसान है इंसान ही बनेगा, तो इफ आई वायर दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे इफ क्लोज में भी काफी पॉसिबिलिटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी का है? अगर तुम मेरे शादी में आए होते मैं तुम्हें पार्टी देता, अब मतलब शादी खत्म हो गया और तुम फिर बोल रहे हो कि अगर तुम आए होते, नहीं तो नॉट पॉसिबल, पास्ट की बात है। इफ तुम आप हम क्या लिख सकते, इफ यू अटेंडेड माय मैरिज पार्टी आई वुड गिव यू पार्टी। ध्यान रखना ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना, यहाँ पे इफ के बाद वी टू आएगा सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे भी देखो सब्जेक्ट के बाद ओआर आएगा, ओआर भी वी टू है, लेकिन इधर क्या आएगा, अगर यहाँ पे वी टू आ गया इफ के बाद, तो इधर आएगा वुड के बाद वुड प्लस वी वन, ठीक है, क्या आएगा वुड प्लस वी वन, सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस वी वन आएगा। ओके चलो आगे चलते हैं।
देखो इस तरह का वर्ड अगर तुम्हें कहीं पे दिखे, इस तरह का एक्सप्रेशन अगर तुम्हें कहीं पे दिखे, किस तरह का, जैसे मान लो कहीं लिखा होगा इट इज टाइम, ठीक है नहीं, इट इज द राइट टाइम, या फिर इट इज द हाई टाइम, ठीक है, इट इज अबाउट टाइम, दान लगा, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज द राइट टाइम, ठीक इट अबाउट टाइम। ध्यान दो, इन सब का मतलब होता है, इन सब का मतलब होता है कि ऑलरेडी लेट, मतलब ऑलरेडी लेट हो चुका है, कहते ना कि अब वक्त हो चला है, या फिर हम इसको अगर हिंदी में निकालें कि यही समय है, मतलब इसका अगर हिंदी निकालें हम, इन सब का यही समय है, एटा ही टाइम, यही समय है, या फिर यही सही समय है, यही समय है, मतलब वही, और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचा है, मान लो कोई काम करना है और काफी देर हो चुका है, तो तुम कहोगे नहीं यही सही समय है, ठीक है नहीं, मतलब इसको हम और भी एक तरह से लिख सकते हैं कि समय हो चुका है, समय हो चुका है, जैसे हम बोलने की कोशिश करेंगे कि समय हो चुका है, अब इंसानों को प्रकृति पे ध्यान रखना चाहिए, जरूरी है, ठीक है नहीं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, बहुत से कोई भी चीजें, मैं कहूंगा कि यही सही समय है, ठीक है नहीं, वोट देने का यही सही समय है, तुम्हें मारने का यही सही समय है, पढ़ने का, है कि नहीं, मतलब ऑलरेडी लेट हो चुका है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, फिर जाके कोई आके तुम्हें बोल रहा है कि बेटा यही समय है, पढ़ ले अब, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, कोई आके तुम्हें बोल रहा है कि इट इज हाई टाइम, मतलब यही सही समय है, अगर इस टाइम पे तुम नहीं करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि भाई यही समय है, या फिर समय हो चुका है, ओके समय हो चुका है, तुम्हें अपने शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है, इट इज अ हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम भी कह सकते हैं, इट इज राइट टाइम, इट्स टाइम, तो मतलब अगर कोई आके मुझे बोल रहा है कि समय हो चुका है तो शादी कर लेना चाहिए, ठीक है, इट्स अ राइट टाइम, तो मैं क्या कहूंगा वहां पे, तो वहां पे मैं लगाऊंगा ये सब चीजें, ये सबका मतलब होता है ऑलरेडी लेट, मतलब लेट हो चुका है, अब वक्त नहीं है, यही समय, या फिर समय हो चुका, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे होगा, तो मामा शुभश्री रूप भारती तर सुई पड़ चुकी है, कमेंट पर तो करे नहीं क्या से बोलो, अच्छा मोड़ सुई पड़ चुकी, एक कला शुभश्री पाठ पढ़ चु आगू सब ना मामा भी बुझी बजाने का था, मैंने कहा कि इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम का मतलब है कि समय हो चुका है कि नहीं, या फिर यही समय है कुछ करने का, जैसे यही जो कहते हैं ना कि, तो इसके बाद याद रखना, इसके बाद हमेशा से या तो क्या लगाओगे, इसके बाद हमेशा से या तो क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ब, मतलब पास्ट सिंपल, यही तो पास्ट सिंपल है, या फिर इसके बाद तुम लगाओगे सब्जेक्ट प्लस V1 प्रेजेंट सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्लस अदर वर्ड, समझ में आया सर, ये सब्जेक्ट नहीं आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, कैसे सर, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, देखो इट इज टाइम, या इट इज हाई टाइम भी हम कह सकते हैं, इट इज टाइम, अरे सबका मतलब एक होता है, इट इज टाइम के बाद टू डू समथिंग, यही समय है कुछ करने का, है कि नहीं, गलत गलत लिख दिया था, टू होगा, मैं उसको ऑब्जेक्ट समझ,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा इट इज टाइम, इसके बदले तुम लगाओ ना इट इज हाई राइट टाइम, यही सही समय है नहीं? इसको मैं लगा दे इट इज राइट टाइम, यही सही समय है कुछ करने का, इट इज राइट टाइम टू डू समथिंग, है कि नहीं? अगर मैं कहूँ कि इट इज हाई टाइम, या फिर इसी को बोल दूँ कि इट इज राइट टाइम टू मैरी, यही सही उम्र है शादी का। अगर मैं ये बोल दूँ कि इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम टू रीड, पढ़ने का यही सही समय है। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम टू कंजर्व नेचर, हमको प्रकृति को बचाना चाहिए। मतलब यही सही समय है, समय हो चुका है कि नहीं? कब तक तुम इंसान इस तरह से प्रकृति को बर्बाद करोगे? तो इन द सेंसेस में हम क्या कर सकते हैं, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम भी लगा सकते हो। तो उसके बाद टू प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड, ये सेंस कहाँ पे आ जाता है, प्रेजेंट सेंस में आ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर इसको हम पास्ट सेंस में बोलने की कोशिश करें। हाँ, और एक चीज यहाँ पे पास्ट में बोलने से पहले याद रखना, इसके बाद कभी भी, इसके बाद इस तरह का टेंसेस का मतलब, क्योंकि ये ऑलरेडी लेट है, जस्ट पास्ट को शो कर रहा है, उसके बाद कभी भी मोर पास्ट वाला सेंस नहीं आएगा। मतलब इसके बाद कभी भी सब प्लस हैज या हैड नहीं आएगा, जो प्लस बी थ्री प्लस अदर वर्ड, ये कभी भी नहीं आएगा। अगर इस तरह कहीं पे दिख रहा है तो योर मिस्टेक है, गलत कर रहे हो तुम। ओके, हैज हैड इसके बाद कभी आएगा नहीं, या तो उसको पास्ट सिंपल में बनाओ या फिर प्रेजेंट सिंपल में बनाओ। पास्ट में अगर हम बात करें, इसका एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, इट इज हाई टाइम यही वो सही वक्त था जिस जब उसने दुकान खोला था। अगर मान लो तुमने गए थे कहीं पे, जैसे सावित्री गया, सावित्री व्रत, सावित्री व्रत गया, तुम गए थे, मान लो कि मेरा शादी उधर में चला गया, तो मैं मान लो 11 बजे तक 12 बजे तक दुकान खुलता है, मुझे याद नहीं था, मैं शाम को घूम घूम के लौट रहा था, फिर बीबी ने तो झाड़ू लेके खड़ी थी, उसने कहा कहाँ है मेरा, वो सब चीजें कहा था, सामान वामान कहाँ है तुम्हारा। मैंने कहा तू झाड़ू मत दिखा मेरी माँ, मुझे, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो मार्केट जाकर देखा कि भाई दुकान ही नहीं था, फिर काफी सारे, मैं अकेला नहीं था, काफी सारे मेरे जैसा जो काफी सारे मेरे जैसा क्या कहेंगे उसको, लापरवाह पति देव सब घूम रहे थे। तो फिर मैं वहां पे एक दुकान का घर था, मैंने उसको जाके बोला कि यही सही समय है, लेकिन यही सही समय तो खोल दे दुकान, तो तुम्हारा काफी ज्यादा सेलिंग होगा, है कि नहीं? तो मैं वहां पे चीजें लेके चला है। लेकिन अगर वहीं पे मैं अगले दिन ये बात बोलूंगा कि मैं जब कल गया था ना, वही सही समय था, मैंने जाकर उसको कहा कि यही सही समय था तुम्हें दुकान खोल लेना चाहिए, अबे तुम्हें दुकान किसने कौन कमेंट कर रहा है, अच्छा यहाँ सही, ठीक है। मैंने उसको कहा यही सही समय था बेटा, तुझे अपना दुकान खोल लेना चाहिए था। मैं जाकर उसको यही बोला ना, तो उसको पास्ट में बोलना है तो उसको लगा दो पास्ट के साथ, तो इट इज तो नहीं होगा, हाँ इट इज होगा, क्यों नहीं होगा भाई? तुमको होगा ना, इट वॉज हाई टाइम नहीं होना, इट इज हाई टाइम, यही समय है। सी हैज, चलो इसको ही कर देते हैं, हैज कहाँ आएगा, ही ओपेंड द शॉप, सब्जेक्ट के बाद वी टू लगाना है, ठीक है। अगर वहां पे अगर हैज लगाते तो गलत हो जाता, हैज नहीं लगाना है, क्योंकि हैज अब नहीं लगेगा, बता दिया ना मैं। चलो अच्छी बात है, और एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसको खत्म कर दूं तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल खत्म। देखो ध्यान दो, कुछ वर्ड लिख रहा हूं मैं, टुडे
दिस मॉर्निंग, ठीक है, उसके बाद दिस के साथ तुम कुछ भी लगाओ, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस ईयर, दिस मंथ या दिस वीक, जो लगाना लगाओ, ठीक है, या फिर उसके साथ ये जो ये लगा है, ठीक है, ये एटसेट्रा, इसको तुम पास्ट सिंपल में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि मैं ये तुम्हें प्रेजेंट सिंपल में बताया था, तुम इसको पास्ट सिंपल में भी इस्तेमाल कर सकते हो, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस ईयर, दिस मंथ, दिस वीक, इसको तुम पास्ट सिंपल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सर एग्जाम्पल दो, लिखो, आई हैव सीन हिम टुडे से बेहतर होगा आई सॉ हिम टुडे, लिख लग दो, आई, मैंने उसको आज देखा था, आई सॉ हिम टुडे, हो गया, सब्जेक्ट के बाद बी टू लग गया तो हो गया ना पास्ट सिंपल। तुम चाहो तो यहाँ पे आई हैव सीन हिम टुडे ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, उसके बाद और कुछ है, जैसे मैंने कहा ऑलवेज, मतलब हमेशा, ऑलवेज हमेशा, सेल्डम मतलब कभी नहीं, सेल्डम के लिए और एक वर्ड आता है नेवर, लेकिन ऑलवेज के लिए आता है ऑफन, ठीक है, और बोलो, फिर रोज के लिए आता है एवरीडे, या रोज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेली, सॉरी डेली, या फिर एवरीडे, तुम यहाँ पे है तो एवरीडे के बाद तुम यहाँ पे एवरी नाइट लगा दो, अरे एवरी के साथ जो लगाना है, एवरी मॉर्निंग लगाओ, एवरी ईयर लगाओ, तो ये सब जो चीजें, इन सब को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे, सिंपल पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान देना, इसको जब मैं सिंपल प्रेजेंट में ही बोला था, सिंपल पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुमको सर एग्जाम्पल दे रहा हूं, यू ऑलवेज सपोर्टेड मी, तुम मतलब इसका मतलब क्या बताए, चलो इसका, इसको प्रेजेंट सिंपल में लिख सकते हैं, यू ऑलवेज सपोर्ट मी, ध्यान दो, देखो ये दोनों सही है बेटा, गलत नहीं है, तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे तो यू ऑलवेज सपोर्टेड मी, तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो तो यू ऑलवेज सपोर्ट मी, समझ में आया, देखो ऑलवेज को मैंने प्रेजेंट सिंपल में, ये वाला कौन सा है, ये वाला पास्ट सिंपल, ये वाला प्रेजेंट सिंपल है, मैंने कहा यू ऑलवेज सपोर्टेड मी, तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, मैंने कहा चलो अच्छी बात, करते थे पास्ट में करते थे, तो मैंने कहा तुम करते भी हो, ठीक है, यू ऑलवेज सपोर्ट मी, तुम मुझे करते हो ऑलवेज सपोर्ट हमेशा, ठीक है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं टुडे के बाद, मान लो इवनिंग, दिस इवनिंग, तो हम लगा सकते हैं आई मेट हिम दिस इवनिंग, आज शाम को उसके साथ में मिला था, उसका साक्षात हुआ था, ठीक है, पास्ट सिंपल खत्म, कल हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, कुछ डाउट्स है तो पूछो, कोई डाउट आउट है तो, मैप का क्लास का भी टाइम हो गया है और 10-15 मिनट के बाद मैं आऊंगा मैप करने के लिए, स्टार्टिंग जी के चल रहा था हमारे एशिया का, कोई डाउट आउट नहीं है ना, अगर होगा तो मुझे पूछना, ठीक है, कल के क्लास में पूछना मुझे, आज थोड़ा टाइम नहीं है, चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, 15 मिनट के बाद में मैं क्लास के लिए कह रहा हूँ, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, मतलब मैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।